आई नो अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस वीडियो से पहले डिस्क्लेमर, पर क्यों? बिकॉज दिस वीडियो इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग वन। अब आप कभी भी कोई मूवी देखने जाते हैं, देयर इज ऑलवेज दिस वन लाइन जो आपने हजारों बार सुनी होगी, एनी रिजेम्बलेंस टू पर्संस लिविंग और डेड इज इंटायरली कोइंसिडेंटल एंड दिस इज अ वर्क ऑफ फिक्शन। इस कहानी के सभी किरदार और पात्र काल्पनिक हैं। बट हैव यू एवर थॉट व्हाई? आई नो कि अब आपके मन में ये चीज़ें आ रही होंगी कि ऑफ कोर्स हमें पता है, कोर्ट केस से बचने के लिए, लीगल इम्प्लिकेशन से बचने के लिए, एंड दैट इज एंटायरली ट्रू। पर कभी सोचा है कि यह प्रैक्टिस शुरू क्यों हुई? व्हाई दिस प्रैक्टिस स्टार्टेड इन द वेरी फर्स्ट प्लेस? डोंट वरी, दिस इज द केस स्टडी फॉर टुडे। तो आओ फिर शुरू करें। तो कहानी की शुरुआत होती है एक एसासिनेशन से, एक मर्डर से 1916 में, व्हेन रशियन प्रिंस फेलिक्स यूसुपोव किल्ड अ मिस्टिक, एक साधु, एक बाबा, ग्रेगरी रास्पुतिन। नाउ वी नो दैट इन 1914 वर्ल्ड वॉर वन स्टार्टेड, एंड दैट इज व्हेन जो रशियन जार थे निकोलस टू, वे लड़ाई के लिए अपनी बीवी के जिम्मे काम काज छोड़कर चले गए लड़ाई की तरफ। नाउ ग्रेगरी रास्पुतिन जो है, ही वॉज अ पावरफुल मैन इन रशिया, हैविंग ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन रशियन जार निकोलस टू एंड हिज फैमिली। इसका कारण था कि उनकी जो पत्नी थी, रशियन जार निकोलस टू की जो बीवी थी, उन्हें विश्वास था कि रास्पुतिन के पास कुछ जादुई ताकतें हैं, ही हैज़ गॉडली पावर्स। पर एट द सेम टाइम एक बाहरी आदमी का रशिया की इतनी पावरफुल फैमिली पर इतना इन्फ्लुएंस होना काफ़ी लोगों को पसंद नहीं था। सो व्हेन 1914 वर्ल्ड वॉर वन बिगेन, रशियन जार लड़ाई के लिए 1914 में राजकाज अपनी बीवी के जिम्मे छोड़कर चले जाते हैं और कह जाते हैं कि रास्पुतिन से राय मशवरा चलता रहना चाहिए, जो भी उनकी राय हो कामकाज को लेकर, राजकाज को लेकर, उसको अमल में लाया जाए। नाउ दूसरा कैरेक्टर हमारे पास इस कहानी में है फेलिक्स यूसुपोव। ही वॉज अ रशियन प्रिंस, राइट? सो ही हैड ग्रेट इन्फ्लुएंस इन रशिया, अमीरी थी ही, और अपने लाइफ स्टाइल के लिए, पार्टी के लिए फेलिक्स यूसुपोव रशिया में काफ़ी फेमस भी थे। नाउ वर्ल्ड वॉर वन के बाद जहाँ रशिया में अमीर परिवारों की वेल्थ को झटका लगा, एंड दे स्टार्टेड थिंकिंग कि रशिया पर किसी काली शक्ति, जादू का असर। एंड आफ्टर दैट फेलिक्स यूसुपोव मर्डर्ड ग्रेगरी रास्पुतिन इन 1916 इन हिज ओन पैलेस इन रशिया। नाउ ग्रेगरी रास्पुतिन के मरने के पीछे एक काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि फेलिक्स यूसुपोव ने जब खाने में साइनाइड मिलाकर रास्पुतिन को दिया तो रास्पुतिन को कोई फर्क नहीं पड़ा, He was acting like a normal person. उसके बाद उनको 3 गोलियां भी मारी गई, but still he was a well and alive person. After that, उनको रशिया में एक नदी में जाकर डुबाया गया ठंडे पानी में, and that is how somehow he died. And of course, there are a lot of conspiracy theories about his death. After his murder, Felix Yusupov खुद चेक चेक कर दुनिया को ये बताता है कि मैंने ग्रेगरी रास्पुतिन को मारा है 1916 में। ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सारी कंट्रोवर्सी है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं और रशियन प्रिंस की इन्वॉल्वमेंट है। सो आई वुड एडवाइज यू टू रीड दिस फुल स्टोरी ऑन इंटरनेट। नाउ इन 1917 आपको पता ही है कि रशियन रेवोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है, एंड फेलिक्स यूसुपोव हैड टू फ्ली रशिया और भागकर वे जाते हैं यूरोप। नाउ आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन, रशिया में और पूरी दुनिया में पैसों का, अमीर परिवारों का जो चार्म था वो कुछ हद तक कम हो चुका है। एंड दिस स्टोरी ऑफ रास्पुतिन्स मर्डर वॉज वाइडली हर्ड, एंड इट इंटरेस्टेड हॉलीवुड एट दैट टाइम टू मेक मूवी ऑन इट। एंड हियर कम्स MGM। आपने सीधी सी बात है इस मूवी प्रोडक्शन हाउस का नाम सुना ही होगा। सो MGM मेड अ बिग मूवी ऑन दिस फुल स्टोरी ऑफ दिस मर्डर, और मूवी का नाम उन्होंने रखा रास्पुतिन एंड द एम्प्रेस। ना मूवी में काफ़ी फैक्ट दिखाने की कोशिश की गई, सच कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज थी उनको दिखाने की कोशिश की गई, पर मूवी प्रिंस फेलिक्स यूसुपोव को पसंद नहीं आई। ही थॉट कि यहाँ पर हमारी इंसल्ट की जा रही है, परिवार के नाम पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, झूठे फैक्ट्स दिखाए जा रहे हैं और उनकी बीवी का नाम खराब किया जा रहा है। एंड दिस लेड टू अ कोर्ट केस ऑन द लंडन बेस्ड मूवी प्रोडक्शन हाउस MGM, और कोर्ट केस किया किसने था? फेलिक्स यूसुपोव ने। नाउ इस कोर्ट केस में फेलिक्स यूसुपोव के पक्ष में फैसला आया और MGM को उन्हें $25,000 उस टाइम पर देने पड़े, और इसके साथ ही अब चूंकि मूवी बन चुकी थी उसके राइट्स लेने ही थे, तो राइट्स खरीदने के लिए MGM ने फेलिक्स यूसुपोव को $75,000 और देने पड़े। सो बेसिकली MGM को उस टाइम पर $100,000 खर्च करने पड़े उस मूवी को रिलीज करने के लिए ही।
नाउ MGM के लिए उस टाइम पर एक बड़ा झटका था. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम $100,000 वॉज अ बिग अमाउंट और आज भी इट्स अ बिग अमाउंट. एंड दैट इज़ हाउ दिस होल प्रैक्टिस ऑफ सोइंग डिस्क्लेमर बिफोर अ फिल्म स्टार्टेड, ताकि जो फिल्म मेकर्स हैं वो अपने पैसे बचा सकें, अपनी मेहनत बचा सकें, जो उन्होंने मूवी बनाई है उसको रिलीज़ कर सकें. एंड दैट इज़ हाउ अ मर्डर, अ बिग प्रोडक्शन हाउस, अ रशियन प्रिंस लेड टू अ प्रैक्टिस दैट एवरी फिल्म मेकर फॉलोज टूडे. तो ये केस स्टडी कैसी लगी आपको हमें ज़रूर बताएं कमेंट्स में. नेक्स्ट वीडियो के साथ हम जल्दी वापस आएंगे. एंड टिल देन, गुड बाय.